Oh, go, please. दोस्तों नमस्कार, मैं छोटे लाल यादव, सप्तहरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश। दोस्तों आज हमें सूचना मिला है वार्ड नंबर 9 से, और वार्ड नंबर 9 से मिला है, जिस ऑफिस से मिला है उनसे हम परिचय करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। भाई साहब अपना नाम और पता बताएं। यहाँ कंसल्टेंसी ऑफिस है जी, सत्येंद्र राठौर और राकेश पवन ये सब हम लोग यहाँ काम करते हैं जी। जी अभी आधे घंटे पहले ही यहाँ कुछ स्नैक आया है, स्नैक आया है, भैया बता रहे कोबरा है। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो पर बने रहें, हम दिखाते हैं। बेहद ही खतरनाक जगह पे भी है, देख सकते हैं, और एकदम गुस्से में। अभी नहीं किया हूँ, चलो चली चली ची कुछ नहीं बोलना रखना भैया। तो अब क्या चल रहा है, जय भगवान, जय सामंत भगवान। ना करेंगे महाराज, धीरे भगवान भी करा पीछे।
दूर दूर तक इसकी पिचकारी चली जाती है। रात खूब सारे अंदर लोग पास कर दो लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुशलता पूर्वक आपने पकड़ा इस डरावने और खूंखार जानवर को। बहुत हम लोग डर गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके नमस्कार दोस्तों, मैं छोटे लाल यादव, सात प्रहरी, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। दोस्तों सबसे पहले नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों हमारा स्नेक रेस्क्यू टीम के द्वारा रेस्क्यू किया हुआ नाग सांप, दो धामन सांप, एक वाटर स्नेक, जिनको स्वतंत्र विचरण के लिए हम जंगल में आए हैं। अनूपपुर से है जंगल 15 किलोमीटर की दूरी पे आए हैं और इनको अनुरक्षक नर्मदा प्रसाद पटेल जी हैं, उनके समक्ष हम रिलीज करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है छोटे लाल यादव स्नैक, उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा ये जानकार आपको कैसा लग रहा है। तो हमारा स्नैक रेस्क्यू टीम के द्वारा एक एक करके सभी स्नैकों को रिलीज किया जाएगा। हमारे वन रक्षक हैं नर्मदा प्रसाद पटेल जी, उनके समक्ष चलिए। पहिया सांप, पानी वाला सांप बोलते हैं। ये पानी वाला सांप है, भी बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं पाया जाता और इसमें नॉन पॉइजनस है। और ये है रेड स्नेक, हिंदी भाषा में असड़िया, धामन सांप। और इसे भी हम लोग रिलीज कर देंगे। ये किसान का मित्र कहलाता है, ये किसान मित्र भी होता है। दोस्तों इसे न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, ये इंडियन कोबरा है। और इसके काटने के बाद जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाएं, ठीक हॉस्पिटल। बेहद ही बिग साइज का है।
चला जाए। काला में होता है ये वाला, इसमें है कभी भी सर्पदंश होता है, किसी को सांप काटता है तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है ना। झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना फंसना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल ही एक समाधान है बचने का। और ऊपर से जिसको काटा हुआ है, है उसको सोने नहीं देना है और उसको पानी नहीं देना है पीने के लिए, ठीक है ना। और उसको ऐसा ढक्कन ना दबाओ कि आप ना बचोगे, ठीक है। उसको ऐसा बोलोगे कुछ नहीं होगा, ना मैं सांप ने काटा हुआ है, कुछ नहीं होगा, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे जल्दी से, ट्रीटमेंट हो जाएगा तो बच जाओगे। उसको डराना नहीं है, ठीक है ना। उसको जब इतना हो कि इंसान उसको बचाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा, आराम से उसको ऐसा कॉन्फिडेंस देना है कुछ नहीं होगा, चलो हॉस्पिटल पहुंच ही आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जहरीला वाला, बिना जहरीला वाला सांप काटता है तभी वो झाड़ फूक के चक्कर में बचा लेते हैं कि उनके जहरीला वाला सांप नहीं काटा है इसलिए वो बच जाता है। और जहरीला वाला सांप काटने में कोई नहीं बचा पाता, फिर बोलता है कि देरी हो गई, लेट से आए, ये बहाना बना देते हैं झाड़ फूक करने वाले। इसलिए कोई भी सांप काटे हॉस्पिटल जाना चाहिए, हॉस्पिटल से ही एक इंजेक्शन लगेगा एंटीवेनम का, उसी से इंसान बच सकता है, बाकी इंसान कोई नहीं बचा पाता, ठीक है। काली बात, गाँव घर में जाना को बताना है कि ऐसा कभी पकड़ने का प्रयास भी कोई ना करे, ठीक है ना। और कभी भी किसी को काट ले तो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाए। चलिए कैसा लगा?